शांतिदाता की संतान है। हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सुख का दाता है, शांति का दाता है, पवित्रता का दाता। हमारा पिता इतना उच्च अधिकारी और हम उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो पिता की पहचान होना बहुत जरूरी है, उसके साथ योग लगाना जरूरी है, अपने कर्म इंद्रियों का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो घर में आप भी तो सुख चाहते हो, मंदिर में जाते हो, मूर्ति से मांगते हो, भगवान हमें सुख दो, हमारे बच्चों को सुख दो। तो सुख तो हमारे कर्मों से मिलेगा ना। जब हम अपने बुरे कर्मों का त्याग करेंगे, गलत कर्मों का त्याग करेंगे, अच्छे कर्मों को जीवन में धारण ग्रहण करेंगे, तो हम सुखी ही सुख है हमारे जीवन में। ये भारत हमारा सुखमय था, आज दुखमय किसने बनाया? ये रावण ने बनाया। रावण क्या है? पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पांच विकार पुरुष में भी है तो पांच विकार स्त्री में भी है। तो दोनों की आपस में खिटपिट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं, माँ बेटा लड़ते हैं, सास बहू लड़ते हैं। तो लड़ाई क्यों होती है? अरे हम सब एक बाप के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो सारे गुण होने चाहिए, शांति, प्रेम, आनंद, सुख। ये कहाँ मिलेंगे? ये पत्थर की मूर्तियों से थोड़ी मिलेंगे। मांगते हो मंदिर में जाके, हे भगवान हमें सुख दो, शांति दो। सुख कोई स्थूल वस्तु थोड़ी है। सुख जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम सुखी बनते जाएंगे।